ओह माय गॉड, मैंने दांतों पे एक्टिवेटेड चारकोल लगाया। रिजल्ट देखना चाहती हो तो एंड तक जरूर देखना और लाइक करना ना भूलें। ये ऐसा होता है कि सुबह उठो सब कुछ बोरिंग सा हो और जैसे ही ब्रश करो ताजगी सी फैल जाती है हवाओं में, सब डांस करने जाते हैं, फैमिली मेंबर्स, बाहर के लोग, घर के लोग, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सब डांस चल रहा होता है। ऐसा होता है क्या? टीवी में तो होता है, देखा है ना आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है टीवी में? तो अक्सर ऐसी एड्स देखा करते हैं, पर एड्स टीवी और रियलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब भी आप स्माइल करते हैं चेहरे के साथ सबसे पहले नजर आते हैं आपके दांत, और अगर आपके दांतों में गम प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी, ब्लीडिंग, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है और दांत पीले हैं, तो भैया कोई इंप्रेस होना तो दूर, सब आपको मतलब पीठ दिखाते हुए भाग जाएंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम बात करने वाले हैं टीथ व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग के बारे में। तो मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हैं बी नेचुरल। बात करते हैं आपके दांतों को और खूबसूरत बनाने के होम रेमेडीज के ऊपर। अगर आप गूगल करें, यूट्यूब पे सर्च करें, किसी भी इंटरनेट पे सर्च करें कि दांतों को सफेद कैसा बनाया जाए, तो हर जगह भरमार पड़ी है एक ही टाइप की वीडियो की और हर कोई एक ही चीज बात कर रहा है। आप अपने दांतों के ऊपर लगा लो नींबू और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मुझे पता नहीं क्यों यूट्यूब पे बेकिंग सोडा इतना ज्यादा पॉपुलर है, चाहे स्किन व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग की बात हो, चाहे दांतों की बात हो, हर जगह लोग बेकिंग सोडा ही यूज किए जा रहे हैं। चलो अब बाकी स्किन पे तो लगाने को मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन हाँ दांतों पे लगाने की अगर बात आती है तो एक परसेंट में समझ सकती हूँ। ठीक है, दांत हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होते हैं, उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाओगे तो शायद आपको नुकसान ना भी दे। लेकिन अगर आपको कोई बेकिंग सोडा यूज करने के लिए भी बोलता है ना, तो वो आपको ये भी बोलते होंगे कि आप महीने में एक दो बार ही इसको यूज कर सकते हैं, दो मिनट से ज्यादा यूज किया तो आपके गम को कमजोर कर देगा, आपके दांतों को नुकसान पहुंचाएगा, दांत टूटने भी लग सकते हैं, वो ये इंस्ट्रक्शन भी आपको वो लोग देते हैं। इनफैक्ट बेकिंग सोडा यूज करने से आपको छाले भी पड़ सकते हैं, मतलब दो महीने में एक बार करते तो ठीक है। तो ये कोई पता हो, दो महीने में एक बार अगर आप टीथ व्हाइटनिंग करोगे तो बाकी के महीने क्या, दांत गंदे नहीं होंगे? आप जैसी अभी आलू गोभी की सब्जी खाओ हल्दी वाली, दांत पीले हो जाते हैं। तो ये तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं, टेम्पररी भी नहीं है। और अगर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, ठंडा गर्म की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी बेकिंग सोडा आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। तो वो हेल्प करेगा क्या? चंद भर की खुशी, थोड़ा सा लगाओ दांत सफेद करो, उतना थोड़ी ना चाहिए आपको। तो लॉन्ग रन का होम रेमेडी डीआईवाई कुछ चाहिए, है ना? तो डीआईवाई में आपको क्या बताऊं, एक देसी सा घरेलू सा नुस्खा है, ट्राई जरूर करना। नीम की लकड़ी अगर आपको मिल जाती है ना, हम लोग जब गांव जाते थे तो नीम की जो टहनी होती है ना, गांव में हम जब भी जाते थे, गांव में इतने पेड़ होते थे, नीम का पेड़ ढूंढते थे, उसकी टहनी निकालते थे और आगे से मतलब उसको वॉश करके आगे की जो टहनी होती थी ना, उसके ऐसे दांतों से चबाया करते थे और उसी से ऐसे दांतों को ब्रश भी किया करते थे। ब्रश और टूथपेस्ट नहीं, सिर्फ नीम की टहनी से, उससे आपके दांत स्ट्रांग भी होते हैं, बैक्टीरिया भी किल होते हैं, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है आपके दांत के लिए। बहुत हर्बल, ऑर्गेनिक, प्योर, नीम की टहनी से ज्यादा प्योर और हर्बल हो क्या सकता है? हाँ थोड़ा बहुत कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन कड़वा अगर रहेगा तभी तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। लेकिन हम लोग गांव में भी रहते नहीं है, हम लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में पेड़ इतनी मुश्किल से मिलते हैं, तो हम कहाँ से अपने लेके आएंगे नीम की टहनी? मिल जाए तो वेरी गुड, ना मिले तो सुन लो मेरी कहानी। हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैं गई डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए, डेंटल चेकअप के लिए गई। तो उन्होंने जब दांतों का चेकअप किया तो मैंने उनसे पूछ लिया बातों में कि सर मुझे ये बता दीजिए कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे दांतों की कंडीशन सही है, अभी वो व्हाइट है या नहीं है, कि देखने में तो व्हाइट लग रहे हैं लेकिन क्या ये जितने व्हाइट अभी हैं वो तो परफेक्ट है, इतने ही होने चाहिए। उन्होंने मुझे एक शेड कार्ड दिया, जैसे टीवी में फेयरनेस क्रीम का नहीं दिखाते शेड कार्ड, वैसे ही दांतों का भी होता है। तो उन्होंने दिखाया, उसके पर A1 A2 A3 करके लिखा हुआ था, और जब मैंने उसमें चेक किया तो मेरे दांतों का जो कलर है ना व्हाइट, वो A3 और A4 के बीच में आ रहा था। तो ये उतना ओके था, ज्यादा सेटिस्फेक्ट्री नहीं था। उन्होंने बोला कि और भी ज्यादा होने चाहिए, कम से कम A2 तक तो होने ही चाहिए। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है यार, लेकिन मैं अपने दांतों का ध्यान रखती हूँ, फिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा हो जाता है क्योंकि सिर्फ दिन में दो बार ब्रश करने से नहीं होता है। ऐसा कौन सा चीज मैं अपने दांतों के लिए यूज करूँ जिसकी जो मेरे स्टेन्स को भी हटाए, दांतों को भी स्ट्रांग बताए? तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप दांतों के लिए एक्टिवेटेड चारकोल यूज करो। चारकोल का काम होता है कि जितनी भी बैड डर्ट, ग्राइम, इम्प्योरिटीज होती है उसको अट्रैक्ट कर लेता है, स्टेन्स को अपने तरफ खींच लेता है मैग्नेट की तरह, और जब आप कुल्ला करते हो तो सारा स्टेन निकल जाता है। और रेगुलर यूज अगर आप इसको करते हो तो पीले दांतों को ये व्हाइट बनाने में हेल्प करता है। मैं घर आई, मैं सोचने लगी कौन सा एक्टिवेटेड चारकोल यूज करूं, मतलब इतने सारे ऑप्शंस नॉर्मल टूथपेस्ट के होते हैं, लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल वाला मुझे उतना नजर आया नहीं जो मुझे इफेक्टिव लगे। मतलब मैं चीजें लेने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट पे ज्यादा आजकल ध्यान देने लगी हूँ। तो मुझे अमेजोन पे मिला और इसका मैंने और भी बहुत सारी चीजें यूज की हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो अभी करेंटली जो मैं एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर यूज कर रही हूँ
उसको 2 हफ्ते से मैं यूज कर रही हूँ लगभग, और 2 हफ्ते के अंदर मैंने देखा कि मेरे दांतों का जो कलर है ना पहले से काफी अच्छा हुआ है। मैंने बाद में वो जो शेड गार्ड डॉक्टर से लिया था ना, मैंने उसमें मैच किया, तो A2 शेड मेरा आ रहा है। पहले A3 A4 के बीच में था, अभी A2 आ रहा है शेड। तो मतलब हाँ, 2 हफ्ते बाद टीथ ब्राइटनिंग में हेल्प कर रहा है। प्लस इसको यूज करने के बाद ना जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थी ना मुझे, वो थोड़ी सी कम हुई। मतलब पहले तो गर्म ठंडा लेते ही लगता था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है वो, खत्म हुआ ऐसा नहीं बोलूंगी बट हाँ कम हुआ है, मे बी रेगुलर यूज में खत्म भी हो जाए। तो ये कुछ ऐसा से दिखता है, बिल्कुल चारकोल की तरह है, पाउडर फॉर्म में है। पहले बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, कोई भी केमिकल पैराबेन SLS नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। और ऐसी चीजें हैं जो दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी, जैसे कि ऑर्गेनिक कोकोनट एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, माजू फल, क्लोव, सिनेमन, नीम, लिकोरिस, ब्लैक सॉल्ट एंड पेपरमेंट, ये सारी चीजें मिल करके आपके दांतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, कैविटी ब्लीडिंग गम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपके टीथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। इनफैक्ट इसका ऑरेंज पील है ना, ये एक नेचुरल टीथ व्हाइटनर की जैसे काम करता है, जो टीथ को व्हाइट करता है। अगर आपको गम स्वेलिंग भी है ना, तो ये उसको भी हेल्प करता है, जो आपके गम टिश्यूज है ना उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। माउथ की बैक्टीरिया को दूर करेगा, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हेल्प करती हैं आपके दांतों को खराब होने से बचाने में। आपकी जो ब्रेथ है ना उसको फ्रेश बना देता है। अब मैं आपको बताती हूँ उसको यूज कैसे करना है। आपको ब्रश को थोड़ा सा गीला करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा चारकोल डालना है, और उसके बाद आपको ब्रश करना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना है और हो जाएंगे आपके दांत फ्रेश, क्लीन एंड क्लियर। लॉन्ग रन में 2 हफ्ते के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट जरूर मिलेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में जो दांतों से स्मेल आ रही होती है, बदबू आ रही होती है, वो प्रॉब्लम हट जाएगी। अगर एक सिंगल पर्सन इसको यूज करे तो 2 महीने तक आप इसको कम्प्लीटली यूज कर सकते हो। टी, कॉफी, सिगरेट, स्मोक, एल्कोहल की वजह से जो आपके दांतों में स्टेन पड़ जाते हैं ना, ये उसको व्हाइट एंड ब्राइटन करता है, और वो भी ब्लीच किए बिना। रिजल्ट से मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप अपने लिए परचेज करना चाहते हो तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको इजीली अमेज़न पे ये मिल जाएगा। तो स्वस्ति एक्टिवेटेड चारकोल ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है, आप यूज कीजिए, 2 हफ्ते बाद मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड में। यार वीडियो को लाइक तो करो, शेयर करो।